प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे श्रवण के महीने में पड़ने वाले विशेष मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसके साथ ही माँ पार्वती की आराधना के लिए विशेषकर मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस समय में चातुर्मास में भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों पृथ्वी के भ्रमण पे होते हैं, तो आप इस समय पे श्रवण माह में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करके उनसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और इसके साथ ही इस बार अधिक मास के कारण जो श्रावण का महीना है वो पूरे 59 दिन तक चलेगा। 4 जुलाई को शुरू हो रहा है सावन का महीना और ये रहेगा पूरे 31 जुलाई तक। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है वो 3 जुलाई को है और इसके साथ ही 4 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावण का विशेष महीना, जो शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास माना गया है। श्रावण माह को शिव भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस बार श्रावण के माह में जहां आपको 8 सोमवार मिलेंगे, उसके साथ ही माँ पार्वती यानी कि माँ पार्वती के मंगला गौरी रूप के व्रत करने के लिए भी आपको 9 मंगलवार मिल रहे हैं। 4 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार है, यानी कि जो शुरुआत हो रही है श्रवण के माह की वो मंगला गौरी के व्रत के साथ ही हो रही है। यानी कि जो श्रवण माह के मंगला गौरी व्रत के लिए पहला दिन है वो 4 जुलाई का मंगलवार का दिन है। तो इस दिन पहला व्रत रखा जाएगा माँ मंगला गौरी की पूजा पाठ और आराधना करने के लिए। इसके साथ ही चूँकि इस बार आपको मिल रहे हैं 9 मंगलवार, तो आप ये दिन और तारीख नोट करके रख लीजिए कि किस किस दिन है माँ मंगला गौरी के ये विशेष व्रत। तो 4 जुलाई को है पहला व्रत, इसके साथ ही दूसरा व्रत रखा जाएगा 11 जुलाई को, 18 जुलाई को और इसके साथ ही रखा जाएगा 25 जुलाई को। वहीं अगस्त में रहेंगे पूरे 5 मंगलवार और पहला व्रत होगा 1 अगस्त, 8 अगस्त और इसके साथ ही 15, 22 और 29 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा माँ मंगला गौरी का। इस बार सावन का महीना चूँकि अधिक मास में पड़ रहा है, इसलिए यह महीना आपके लिए और भी विशेष फलदायी हो जाता है। आपको भगवान शिव माँ पार्वती के आशीर्वाद के साथ साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो ये महीना, ये माह बहुत ही शुभ संयोग में बन रहा है और इस समय पे आपको भगवान शिव माँ पार्वती और श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आइए जानेंगे कि इस बार मंगला गौरी का व्रत आपको कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें माँ मंगला गौरी को आपको अर्पित ज़रूर करनी चाहिए और इसके साथ ही बात करेंगे खास उपाय की। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मंगला गौरी की जो व्रत है वो अविवाहित महिलाएं भी, लड़कियां भी कर सकती हैं। अपने लिए सुयोग्य वर की माँ से प्रार्थना कर सकती हैं कि उनके जीवन में भी भगवान शिव की ही तरह कोई योग्य वर उन्हें ज़रूर मिले। सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन, क्योंकि इस बार जो सावन की शुरुआत हो रही है वो मंगलवार से हो रही है, यानी कि 4 जुलाई को ही सावन का पहला मंगलवार है और इसी दिन आपको माँ मंगला गौरी का व्रत रखना है। इस दिन आपको पहले संकल्प लेना है माँ मंगला गौरी के व्रत का। इसके साथ ही जो शुरुआत करेंगे आप अपने व्रत की, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको भगवान शिव के जलाभिषेक से अपने इस व्रत की, इस पूजा पाठ और आराधना के पूरे नियम की शुरुआत करनी है। इसके साथ ही आपको अगर पॉसिबल हो सके तो पति पत्नी दोनों मिल करके इस व्रत को ज़रूर करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा पाठ और आराधना मिलकर एक साथ भक्ति से करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और उसके साथ ही माँ पार्वती को चुनरी अर्पित ज़रूर करें। वहीं आप उनको भेंट स्वरूप श्रृंगार का सामान भी अर्पित ज़रूर करें। उनको हरी चूड़ियाँ और बिंदी तो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। माँ को जितना भी श्रृंगार का सामान हो सकता है आपको माँ पार्वती को ज़रूर अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही उनका गठबंधन भी ज़रूर करें। भगवान शिव को जहाँ आपको पीला चंदन अर्पित करना है वहीं माँ पार्वती को आप सिंदूर ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही आप माँ पार्वती को पुष्प, धूप, दिया अर्पित करें, फल फूल से उनको भोग लगाएं। इसके साथ ही आपको माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा भी ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसके साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती से अपनी पूजा का समापन भी करें। आपकी कुंडली में भी मंगल दोष है
तो इस दिन मंगला गौरी के व्रत के दिन आपको माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पित ज़रूर करें और उसके बाद आपको माँ पार्वती और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर तिलक के रूप में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो मंगल दोष के कारण आपके जीवन में रुकावटें हैं, अटकाव हैं, शादी विवाह में परेशानियां हैं, आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का कोई तनाव है तो वो धीरे धीरे ज़रूर दूर होगा। वहीं अगर मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है तो इस समय पर आपको एक लाल कपड़े में लाल मसूर बांध करके दान ज़रूर करने चाहिए। इससे भी आपके जो मंगल से आपको कष्ट मिल रहे हैं, मंगलिक दोष के कारण जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, वो उनसे भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।